हेलो एवरीवन, मैं असीम कानून को एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्यूसॉफ्ट टेक्नो पे। और आज के इस जावा ट्यूटोरियल में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फ्लो लेआउट इन जावा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बॉर्डर लेआउट को सेट करके बताया था कि यदि किसी फ्रेम का लेआउट हमें बॉर्डर लेआउट करना है तो हम कैसे करेंगे, और उसके लिए मैंने आपको वीडियो बना के बताया था। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए, ऊपर कार्ड्स में आ रहा होगा। और आज हम जो सेट करके देखेंगे वो करेंगे हम फ्लो लेआउट के थ्रू, हम किसी फ्रेम के ऊपर कंपोनेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। यदि आपको लेआउट की डिटेल समझना है तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो भी ऊपर कार्ड्स में आ रहा होगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले नेटबीन्स ओपन करते हैं हम। ओके, तो हमारा नेटबीन्स ओपन है। अब यहाँ पर हमें फ्लो लेआउट के थ्रू कंपोनेंट्स को हमारे फ्रेम के ऊपर ऐड करके देखना है। पहले हम कोड विंडो के थ्रू करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेटबीन्स यूज करेंगे। तो चलिए क्लास बनाते हैं फटाफट। हमने क्लास ली, अब हमें फ्लो लेआउट के लिए क्लास बनाना है, तो हमने क्लास का नाम लिखा फ्लो लेआउट टेस्ट, फिनिश किया। ओके, तो ये हमारा कोड आ गया। अब इस कोड में हम हमारा जो भी अननेसेसरी कमेंट्स हैं इनको रिमूव करके फिर अब क्लास लिखना है। तो अगली क्लास फुल फ्लो लेआउट टेस्ट, अब हमें इसको क्या बनाना है, फ्रेम। तो हमें लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स जे फ्रेम। इसकी सारी डिटेलिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में समझाई है, आप जरूर उन्हें देखिएगा। इम्पोर्ट लगेगा, इम्पोर्ट कर देते हैं। चलिए अब इसमें हमें बटन्स क्रिएट करना है, क्योंकि हम फ्लो लेआउट में भी, जैसे मैंने लास्ट बॉर्डर लेआउट में बटन ऐड करके दिखाया था तो पांच अलग अलग रीजन में गए थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर में। अब फ्लो लेआउट में कैसे होता है, एक के आगे एक के आगे एक, एक फ्लो में एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, ऐड होते हैं, एक के आगे एक ऐड होते जाते हैं। तो चलिए पहले बटन बना लेते हैं। तो पब्लिक क्या बनाना, हमें बटन्स बनाना है, तो पब्लिक जे बटन, फाइव बटन्स क्रिएट करना है। तो B1, B2, B3, B4, B5। अब ये पांचों जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन्हें क्रिएट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले मेथड बना लेते हैं पब्लिक क्रिएट बटन, और इस मेथड के अंदर पांचों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मगर पहले जे बटन का इम्पोर्ट कर लेते हैं। ओके, और क्रिएट बटन जो हमारी मेथड है इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, पब्लिक वॉइड क्रिएट बटन। जैसे पांचों बटन को डालकर B1 इक्वल टू न्यू जे बटन, और इस न्यू जे बटन के अंदर हमारा जो फर्स्ट बटन है उसका हम नाम रखते हैं क्या, BTN, चलिए पूरा लिख लेते हैं बटन फन, और इसको हम करते हैं कॉपी, और ऐसे पांच बटन और हम क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। ओके, सो बटन वन, बटन टू, बटन थ्री एंड देन बटन फोर, बटन फाइव, इसी टाइप से यहाँ भी नाम चेंज कर लेते हैं, बटन टू, बटन थ्री, बटन फोर, बटन फाइव। ओके, सो फाइव बटन हमने क्रिएट कर लिए हमारे मेथड में, इस मेथड कॉल कर लेंगे तो पांचों बटन हमारे क्रिएट हो जाएंगे। अब हमारा जो फ्लो लेआउट टेस्ट है उसका कंस्ट्रक्टर लिखते हैं हम। तो पब्लिक फ्लो लेआउट टेस्ट, और फ्लो लेआउट टेस्ट के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मेथड कॉल कर देते हैं कौन सी, क्रिएट बटन, ताकि हमारे पांचों बटन क्रिएट हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हम हमारी लेआउट सेट कर लेते हैं, और हमने लेआउट सेट करा हमारा क्या, सेट लेआउट, और हमें लेआउट सेट करना है वो है हमारा फ्लो लेआउट। तो हमने लिखा न्यू फ्लो लेआउट। ओके, तो ये हमारा फ्लो लेआउट सेट हो गया, इसके लिए इम्पोर्ट लगेगा, इम्पोर्ट कर देते हैं फटाफट। चलिए, तो जैसे हमने लिखा न्यू फ्लो लेआउट, हमारे फ्रेम का लेआउट सेट हो चुका है फ्लो। अब हम इसमें पांचों बटन ऐड कर देते हैं। तो ऐड करिए B1, उसके आगे ऐड करिए आप B2, उसके आगे ऐड करिए आप क्या B3, उसके आगे ऐड करिए आप B4, और उसके आगे ऐड करिए आप क्या B5। तो इस टाइप से हमारे फाइव बटन्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इस फ्रेम की जो बेसिक मेथड है हमारी जो कि है टाइटल सेट करना, इसका नाम भी देते हैं हम फ्लो लेआउट टेस्ट। फिर इसकी साइज सेट करना, हमने साइज सेट कर देते हैं वही अगेन सेम 600 बाय 600। फिर इसका विजिबिलिटी सेट कर देते हैं, सेट विजिबल एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू, और इसका डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन भी सेट कर देते हैं, वो है हमारा एग्जिट ऑन क्लोज। तो सेट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, और इसमें हम डाल देते हैं हमारा जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ओके, तो ये हमारी पूरी फ्रेम बन के तैयार हो गई है। अब क्या बचा है, अब बचा हमारा केवल मेन मेथड, तो टेस्टिंग के लिए यही लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग।
what ARGS, now create object of flow layout test. Flow layout test f equals to new flow layout test. और हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा कोड हो गया। चलिए रन करके देखते हैं। जैसे हम इसे रन कर रहे हैं, देखिए आप हमारे सामने पांचों बटन आ चुके हैं, बटन 1 2 3 4 5। सिंस फ्लो लेआउट हमने सेट कर रखा है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे कंपोनेंट्स हमारे क्या हो गए, ऐड हो गए। तो इस टाइप से हम फ्लो लेआउट में क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को, वो बटन हो या कुछ और हो, एक के आगे एक सेट करना चाहते हैं तो हम सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अब यदि यही काम हमें नेटबीन्स में करना है तो आईडी का यूज करके कैसे करेंगे, इट्स वेरी वेरी इजी। चलिए एक फॉर्म लेते हैं और ये फ्लो लेआउट टेस्ट है, तो उसका नाम रख लेते हैं फ्लो लेआउट टेस्टर। ओके फ्लो लेआउट, ओके। तो इसके अंदर हमें बटन सेट करना है, बट लेआउट हमें क्या सेट करना है, तो हम सेट लेआउट में गए और हमने लिया क्या, फ्लो लेआउट। अब बटन ऐड करते हैं, ये फर्स्ट बटन आया हमारा, इसके आगे ये सेकंड बटन, आप देख सकते हैं एक फ्लो में एक के आगे एक लगते जा रहे हैं हमारे सारे बटन। सो दैट इज व्हाट दैट इज फ्लो लेआउट। तो यदि आपको नेटबीन्स का यूज करके लेआउट फ्लो लेआउट में करना है, तो आपको केवल एक बार राइट क्लिक करके सेट लेआउट पे जाके लेआउट सेट कर लेना, उस बार आप कंपोनेंट ऐड करते जाइए, ऑटोमेटिकली एक के बाद एक के बाद एक ऐड होते जाएंगे। और यदि कोडिंग के थ्रू करना है, तो ये पूरा कोड हमने आपको अभी डिस्क्राइब किया ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन इस टाइप की वीडियो के आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।